16 तक हो गया इसके सुपर पोजिशन ऑफ वेट। चलो स्टार्ट चलो फाइव या 17 साल पीछे वालो पढ़ा 17 सम बस पढ़ो देखो क्या बोला है। इसका नाम तानिया है, तानिया नहीं है, तनाया। हाँ बेटा रीड द सम, टेल मी द डेटा टू फाइंड एंड फॉर्मूला। समान बोलो जल्दी। आगे ओपन एंड बोर्ड का मतलब कौन सा पाइप है बेटा बोल। ओपन ऑर्गन पाइप क्या क्या दिया बोलो। लेंथ दिया है की बैन 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर। व्हाट एल्स स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड चाहिए क्या उनको बोलो। फंडामेंटल सेकंड ओवरटोन यही चाहिए ना। एंड वन फंडामेंटल हो गया उसका डबल इज सेकंड हार्मोनिक बोले तो फर्स्ट ओवरटोन एंड थ्री टाइम इज थर्ड हार्मोनिक बोले तो सेकंड ओवरटोन। ये तीन चीजें पूछा। व्हाट इज फॉर्मूला वी हैव फॉर दैट। N1 is V by 2L, V दिया है, L दिया है, 2 हमारे घर का है। Once we got it, 2N1 आ जाएगा और 3N1 भी आ जाएगा। ठीक है तो ये फॉर्मूला याद रखो बस। ठीक है ये सारी चीजें जो N1 आ गया तो 2 किलो भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट 18 सम 18 सम कौन पढ़ेगा। हाँ टोपी 18 सब पढ़ बेटा। क्या करे बेटा क्या लिखे बोलो क्या दिया है। अ पाइप ओपन इन बोथ द एंड्स एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। मतलब एनओ एनसी 600 हर्ट्ज एनओ एनसी
600 हर्ट्ज, ठीक है। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड पाइप, सॉरी क्लोज, अरे छुट्टी, सेकेंड क्या बोला, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हो गया, फर्स्ट हायर, और जब जो क्लोज्ड एट वन एंड है तो उसमें फंडामेंटल इज एन वन, सेकेंड हार्मोनिक क्या आता है, थ्री टाइम्स ऑफ एन वन, और जो जो सी कैसा है ना, इसमें इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही नहीं रहते, ओनली ऑड हार्मोनिक्स रहते, तो फर्स्ट के बस सीधा थर्ड आएगा, सेकेंड आएगा ही नहीं, जो फर्स्ट हायर है वही तो फर्स्ट ओवरटोन होगा ना, तो थ्री एंड सी, सॉरी हाँ बराबर, थ्री एंड सी, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप विच इज नथिंग बट जस्ट द फर्स्ट ओवरटोन, क्या बोला उसके बारे में, सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन मतलब टू टाइम्स ऑफ एनओ, ये लोगों ने दिया हुआ है, तो जानना चाहता है दोनों पाइप का लेंथ बताओ, टू फाइंड एलओ और एलसी, आएगा बेटा, रेशियो आ सकता है, लेंथ मुश्किल है, देख एज पर डेटा, मेरी बात सुन, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, क्लोज पर एंड का फार्मूला क्या है, V upon, अरे क्लोज एट वन एंड है ना, 4L सफिक्स C, और इसका फार्मूला क्या है, V upon 2LO, यही है ना, अभी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, NC is V upon 4LC, या इसमें देखिए अगर मैं इसका रेशियो लूंगा ना, इसका रेशियो ये जो कंडीशन दिया है, 3NC is equals to 2NO, बराबर है 3, ये क्या हो जाएगा बोलो, V upon 4LC 2, ये क्या होगा, V upon 2LO, 2 यहाँ पे, और वी वी भी छू, 3/4 इक्वल टू LC/LO, यही बच गया ना, मतलब LO/LC इज 4/3, यही आया बेटा, ये तो रेशियो आया ना, रेशियो थोड़े लोगों ने पूछा, अब रेशियो से तुम बताओ लेंथ कैसे आएगा, कुछ और रिलेशन दिया होता है इन दोनों के लेंथ के बारे में, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते, मेरे को क्या लग रहा पता है, इसकी जरूरत नहीं है, लोगों ने से बाबा बनाने के लिए दे दिया है, इससे कुछ मतलब भी नहीं है, उनको देना चाहिए था स्पीड ऑफ साउंड, दोनों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया होता तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम लोग ना उनका लेंथ फाइंड आउट कर लेते, लेंथ दिया है, कहाँ दिया है, ये देख रफ्फर्ड, मेरे को नहीं दिख रहा होगा, अच्छा नया बुक में दिया, तो बी दिया तो फिर इसकी भी जरूरत है, बी कितना दिया बोल, 330 मीटर पर सेकंड दिया, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप लोग दोनों सॉल्व कर सकते हो, क्या करोगे बोलो, ये देख NC is equals to V by 4 LC. NC पता है, V पता है, LC पता है, सॉरी नहीं पता, 4 पता, LC आ जाएगा, और यहाँ पे NO is equals to V upon 12. Come on, do it fast. फिर आगे का सम करते हैं जल्दी, छापो इन दोनों को और सॉल्व भी कर लो, खत्म करो इधर.
नाले के बगल में सारा बोतल एक साथ ले गया। चलो भाई हो गया नेक्स्ट। व्हाट द आंसर्स? हाँ भाई बोलो। कार्तिक अपने दूसरा मैच किसके साथ करता है? न्यूजीलैंड। दूसरा नंबर 5
इसका वैल्यू तेरे पास है N1 का वैल्यू क्या है 680 उसका रूट है 660 उसका डबल क्या होगा 1320 उसका थ्री टाइम क्या होगा चलो आगे आगे बढ़े जल्दी करो बेटा बराबर है 33 24 बराबर है कितना हो जाएगा 240 अब इसको सॉल्व कर 3.324 सुना 3 8s are 24 1/8 कितना होगा 0.1 something क्या दिया आंसर हो गया ना आंसर कितना दिया अरे सुन ना दो आंसर है ना कोई भी मैच नहीं हो रहा है हाँ तो फिर उसमें लोगों ने कुछ गड़बड़ दिया होगा तो अदरवाइज देख दूसरा क्या लोगों ने कुछ ब्लैंक पूछा ना ये जो कंडीशन दी है उसका हमको क्या लेना देना उन लोगों ने उससे पूछा कि उनका लेंथ बताओ क्या होगा ट्यूब का लेंथ क्या होगा तो ट्यूब का लेंथ के तौर पर गणित फार्मूला दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया उन लोगों ने दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उन लोगों ने आपको दिया है फिर अपन सही है देख खत्म दूसरे कुछ और कुछ नहीं कर सकते बेटा वो लोगों ने हमको अगर फंडामेंटल दिया है स्पीड ऑफ साउंड दिया तो लाइक तो यही फॉर्मूला दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास एलो का क्या ओपन एंड का बी बाय 2L बी कितना दिया है 330 2L एल का वैल्यू आपको चाहिए और ये भी दिया है 600 तो एल ओ इक्वल्स टू 330
कितना होगा 33 120 3.2 12 1/4 उसका हाफ रहेगा मतलब सॉरी उसके लेंथ का डबल रहेगा। अरे हाँ ना तो दोनों में मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ इसका आ गया दूसरा वाला क्यों रॉन्ग हो रहा है? अपन सही बेटा उसको करके खत्म कर कैसे से करके देख तभी भी वही आएगा थोड़ी अलग आने वाली क्या क्या बोल चलो नेक्स्ट 19 19 सब में बोलते हैं अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड अनदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विद 4 कंप्लीट लूप्स गेट प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। ये देखो यहाँ पे 1 मीटर है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा रहेगा बेटा। आप लोगों के आपको कैसे पता चला ऐसा ही रहेगा? क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि वन एंड इज फिक्स्ड अनदर इज फ्री और मैंने बाउंड्री कंडीशन लिख के दिया था याद होगा तो क्या लिख के दिया था एट फ्री एंड एंटी नोड फॉर्म्स तो यहाँ पे एंटी नोड होगा और लोगों ने बोला 4 कंप्लीट लूप है तो क्या हो गया बेटा बोलो एल हो गया और क्या दिया लोगों ने हमको बोलो फ्रीक्वेंसी दिया है एंड क्या वैल्यू 15 हर्ट्ज तुमको चाहिए क्या बी का वैल्यू चाहिए क्या होगा फॉर्मूला है देख 1 2 3 4 कैसे भी देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 λ/4 equals to 1 so lambda is equals to 4/9 meter lambda आ गया b is equals to n lambda n बोलो 15 lambda बोलो 4/9 3 3 सा 3 5 सा 5 4 सा 20 और यहाँ पे 3 6.67 meter per second Done. Next. 20. अरे ये तो नल्ला समय है फंडामेंटल दिया है स्ट्रिंग है ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट सेकेंड और थर्ड ओवरटोन चाहिए तो जो फंडामेंटल दिया एंड वन फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा 2 एंड 1 सेकेंड क्या होगा 3 एंड 1 बट उससे मल्टीप्लाई करो थ्री से मल्टीप्लाई करो आंसर आके 21 सॉल्व कर अच्छा सर नाइस वन जरा पढ़ो पहले जरा सॉल्व करने का कोशिश करो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 21 सम इज अ नाइस वन Thank you.
Come on, Tanaya, you can do it. नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा है। अरे राम सर को याद करोगे फिर भी आ जाएगा, बता रहे ना, तो है ना। अच्छा लिखने का बाकी है, लिख लो चलो फिर बताता हूँ, फटाफट लिख लो इसको, इसको लिख लो फास्ट, फिर बताता हूँ अगला सब कैसा करेंगे। मैंने सर्फिशन का सिनॉप्सिस दिया दिया ऑब्जर्वेशन का भी दिया दिया तो एक ही बचा फर्स्ट वाले। देखो ये अपने आप में अलग सा मैं सब लोगों को नोट करके लिखो, एक फॉर्मूला नोट करके लिखो, अगले सम के लिए एक फॉर्मूला लिखो सब लोग, राइट डाउन। इफ एंड कैपिटल एम, इफ एंड नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स, इफ एंड कैपिटल एन नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स are arranged if n number of tuning forks are arranged in increasing order of their frequencies are arranged in increasing order of their frequencies in such a way that
each tuning fork in such a way that each tuning fork produces x number of beats per second. देखो x number of beats per second. Then and last equals to n first n minus 1 into x. ये हमारा फॉर्मूला है. लास्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी प्लस n माइनस 1 इनटू x. ये हमारा फॉर्मूला है. कब व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगला लिखो. अगला सेम लिखो. कंसीडर एंड ट्यूनिंग फॉर्क्स आर सेम टू सेम लिखो. सिर्फ क्या चेंज होगा बोलो. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. ऐसा लिखो. कम ऑन इंडिया. दोनों भी हो गए. अब समझ रहा, पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो. पढ़ बेटा, पढ़ क्या दिया है. कौन सा समय बोल. 21. अरे पहले पढ़ तो सही. पढ़. अरे ये सेम फॉर्मूला लेगा सिर्फ ना. हाँ, इसका फॉर्मूला अच्छा ये वाला लिख लिया ना. उसका फॉर्मूला है एंड लास्ट इज इक्वल्स टू एंड फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो माइनस एंड माइनस वन इंटू एक्स. वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस. इतना ही फर्क आएगा बेटा दोनों. अब तो बोल बेटा सम पार्ट. A set of eight tuning forks. अच्छा एट. बोलूंगा कितना दे दिया. एट. Is arranged in a series of increasing order of frequencies. Each fork gives 4 beats per second. अच्छा x is equals to 4 beats per second. With the next one and the frequency of last fork is twice that of the first. अच्छा and last. 2 times of n first. बराबर है. सुना उधर BSS में लिख लो तुम लोग. ये BSS में लिख लो यूनिसन मतलब इक्वल सेम. यूनिसन UNISON यूनिसन मतलब सेम है.
ऑक्टेव मीन्स डबल, यूनिसन मतलब सेम इक्वल. कोई बोला कि भाई ये ट्यूनिंग फोर्क किसके साथ यूनिसन है, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है सेम. अगर वो बोला कि ये वाला फ्रीक्वेंसी उसका ऑक्टेव है, ऑक्टेव मतलब डबल है, ठीक है. तो ये लोगों ने दिया है और हमसे पूछा एंड लास्ट और एंड फर्स्ट ये पूछा है ना, एंड लास्ट का फ्रीक्वेंसी एंड द फर्स्ट, फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एंड लास्ट और एंड फर्स्ट का डायरेक्शन ना फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, एंड फर्स्ट एंड माइनस वन इंटू एक्स. एक काम करो, दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, फर्स्ट वाला है. लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज एंड, देयरफॉर एंड लास्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एन. फिर क्या बोलूंगा, सिंस एंड लास्ट दोनों में जो छोटा होगा ना बेटा उसको एंड ले लेना, दूसरा वाला उसका डबल चाहे जो भी होगा आ जाएगा. एंड लास्ट इज इक्वल टू एंड फर्स्ट प्लस एंड माइनस वन इंटू एक्स. एंड लास्ट बोलो क्या है, एंड लास्ट एंड फर्स्ट बोलो एंड. क्या है एट माइनस वन इंटू फोर, टू में से एक जाएगा तो एंड बच जाएगा. सेवन इंटू फोर 28 हर्ट्ज. कम ऑन चार्ज हो, दूसरा वाला भी निकाल लेना है. एंड वन है एंड बोले तो फर्स्ट वाला है. एंड फर्स्ट इज इक्वल टू एंड इक्वल टू 21 एंड लास्ट इज इक्वल टू 22
See what I have given to you is 22 Psalm. A sonometer wire. A sonometer wire. Bus. A sonometer wire is stressed by tension of 40. Tension is 40 Newton. It vibrates in unison with tuning fork of frequency. 384 hertz. How many number of beats get produced? 2 seconds if tension in the wire is decreased by. Acha, T1 hai. T2. 40 minus 1.24. Kitna hoga beta bolo? 40 mein se 1 minus karenge to kitna hoga bolo? 39. 38.76. This much Newton. तो बोलते हैं 2 सेकेंड में कितना बीट प्रोड्यूस होगा बताओ. चलो कौन बताएगा हाउ टू सॉल्व. पहले क्वेश्चन समझा है क्या. देखो क्या है क्वेश्चन. पहले समझने का कोशिश करो. एक वायर है वाइब्रेटिंग वायर. ये वायर वाइब्रेट हो रहा है मत बोलो बीच में. एक वायर वाइब्रेट हो रहा है एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ. इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है 384 हर्ट्ज़ और बोलते हैं दोनों एक दूसरे के साथ यूनिसन है और दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है सेम. और इसका टेंशन तो लोगों ने हम लोगों ने दिया है 40 न्यूटन. अब बोलते हैं इसका टेंशन हम थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं और इसका सेकेंड टेंशन क्या हो गया अभी 38.76 न्यूटन. ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी तो वही रहने वाला है. किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय फाइलिंग एंड वैक्सिंग. फाइलिंग क्या होता है और वैक्सिंग क्या होता है. फाइलिंग अब तुम्हारे घर में कभी ऐसा कलर वगैरह का काम रहेगा पता है ना सैंड पेपर से ऐसा ऐसा घसते पूरा दीवार को कैसे मासिस निकलते हैं उसको हम लोग फाइलिंग बोलते हैं. किसी बॉडी को दूसरे बॉडी से जब ऐसा फ्रिक्शन करते हैं उसके मासिस बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं फाइलिंग. वैक्सिंग क्या होता है किसी एक बॉडी पे दूसरे मासिस को ऐड करना दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग. तो यहाँ पे जो वैक्सिंग करेंगे उसका मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा.
फाइलिंग करेंगे तो नैरो होगा, पतला होगा, जितना ज्यादा पतला होगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो जब तक हम स्टोनिंग फॉर्म का फाइलिंग और वैक्सिंग नहीं करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने से रहा, उसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, इसका फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट वही रह रहा है, इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे बिकॉज इसका टेंशन एडजस्ट हो रहा है। तो पहले बोला कि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, यूनिसन बोला ना। हाँ। बोलता है उसका टेंशन इतना कम कर दिया तो बताओ कितने नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस हो, सीधी सी बात है। अब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा और दोनों के फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होगा। तो लोगों ने हमसे वही पूछा है, नंबर ऑफ बीट्स इन टू सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स इन टू सेकेंड, दो सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स होंगे उनको पूछे। फॉर्मूला क्या बेटा बोलो, फॉर्मूला कैसे आएगा, एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय स्मॉल एल, एन इक्वल टू वन अपॉन टू एल टी बाय स्मॉल एल। अब देखो ये डेटा है टू फाइंड ए फॉर्मूला है कैलकुलेशन, देखो इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स 384, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए तो मैं बोलूंगा एन वन बाय एन टू इज टी वन बाय टी टू, बोलो ना एन वन 384, एन टू मुझे मानता है, बोलो ना टी वन, और एक क्या है 38.76। So what is N2 is equals to 384, 38.76 ka power half divided by 40 ka power half H. So anti log of 384, half log of 38.76 minus half log of 40, सुन रहे हो ना, so anti log 384 3 है ना, 2.38 का 4 बोलो, 38 का 4 देख रहा है, तो घर पे कर लेगा क्या कर लेगा 38.76 है तो 1 point बराबर है, 1 point अगर है तो क्या होगा, 38 का 7 का 6, 38 का 7 का 6 लॉग देखना रे, लॉग 5884 डिवाइड बाय 2 है 0.79 0.7942 माइनस 40 1.6041 यही है क्या, 6021 है 21 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 0.80105 बोले तो 1 8 0 1 1 5 8 7 1 3 log of क्या हो जाएगा बोलो 3.3785
0.8011 minus it is 4775 2 anti log 5774 3779 decimal after 3 बराबर है. सो n2 का वैल्यू आ गया अप्रोक्स 378 बराबर है. बोल सकते हैं 378 और तो कि नंबर ऑफ बीट इक्वल्स टू पहले का कितना था बोलो 384 तो ऐसा बोल दो ना n1 माइनस n2 384 माइनस 378 6 hertz therefore number of beats in 2 seconds is 2 and the value 6 12 hertz acha tha chap lo Thank you.
ध्यान देखो
24. The string of guitar is 80 centimeter long and has fundamental frequency of 112 hertz. And they have given 80 centimeter frequency, they have given 112 hertz. What next? 160 and 1 and took a value of 1. 160 hertz ka frequency unko chahiye. Where should be the person press the string? It is suna. Abhi dikkat isme ye hai ki wo logo ne गिटार का लेंथ दिया 80 सेंटीमीटर, पता है अलग अलग जगह पर उसको प्रेस करता है क्योंकि लेंथ के हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, चेंज होता है लेंथ के हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करता है। सो क्या करेंगे, किस जगह पे प्रेस करना है सब पूछना चाहता है। हम एक काम करेंगे यहाँ पे टू फाइंड L2, L1 दिया है, फॉर्मूला क्या है, n is equals to 1 upon 2l under root t by small m। तो कैलकुलेशन में क्या पता चला, n is inversely proportional to length, therefore n1 by n2 equals to l2 by l1, n1 का वैल्यू क्या है 112, n2 का वैल्यू क्या है 160, L2 का वैल्यू क्या दिया पता नहीं, L1 का वैल्यू 80। सॉल्व कर दो इसको, L2 का वैल्यू क्या होगा 112 80 160 सेंटीमीटर। डन, चलो इसको छाप लो, फिर हम लोग एंट्रेंस चालू करते हैं इसका, ठीक है? अब इसका एंट्रेंस चालू करते जल्दी। Thank you.
क्वेश्चन को आगे बढ़े एंट्रेंस वाले पॉइंट्स पे है छपाई में फिर उठने को बोल दो छापना है फिर भी जाने को छपाई फ्री हेलो सुनो ध्यान से बस क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ एडियाबेटिक क्वेश्चन पूछता है इस सब एंट्रेंस के पॉइंट चालू हो गया अभी के आइसोथर्मल के एडियाबेटिक का वैल्यू बता ऐसा पूछ रहा है तो आंसर बताओ क्या हो तो आंसर डिस्कशन करने जा रहा था ना उसके साथ ये लोगों को सब कुछ अलग अलग बिठा देते हैं आ जल्दी आ तो सिर्फ तो आ कुछ कर बता दे आप क्या हा जल्दी और वो कोने में जाके बैठो पीठ बैठा है वो कोने में जाके बैठा जाने तक डाले उसको जा टोपे और जाने जल्दी से मारो तेरे को जल्दी कोना पकड़ तू इधर आ हाँ तनाया तो सेकंड बेंच पे जा उसपे फर्स्ट बेंच में बैठना थे अरे नहीं सर चल जल्दी इधर उसको उधर बैठ चलो हाँ कोई बता रहा कि मैं बताऊं बेटा हम लोगों ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर समर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर न्यूटन का जो फॉर्मूला था v इक्वल्स टू अंडर रूट e बाय रो यही था ना और एयर की अगर हम बात करेंगे एयर की तो इलास्टिसिटी में कौन सा होता है के के अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा e by rho अच्छा और के की जगह क्या लिख सकते हैं p भी लिख सकते हैं सो अभी अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे ना ये फॉर्मूला सही है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सही है
किसके लिए गलत हुआ था बोलो? गैसेस के लिए। ये फॉर्मूला गलत हुआ था गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V equals to E by rho, that is equals to K by rho, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा बोल? गामा, और इसके जगह पे लिख सकते हैं गामा P by rho, एक किसके लिए बेटा बोल? For gases, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो बी नहीं के, आइसोथर्मल के लिए क्या था पी, और के एडियाबेटिक के लिए क्या था गामा पी। अगर मुझे इसका रेशियो लेना है के आइसोथर्मल भाई के एडियाबेटिक, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन गामा। ये दूसरे किसका पेन है तेरे पास? आ रहा पता नहीं किसका है, ये कब से क्यों गिर रहा पेन बेटा? नहीं पढ़ना तो जा घर पे, मैंने बोला है जो भी है जाओ घर पे। नालाइक्स के आइसोथर्मल के एडियाबेटिक दोनों का रेशियो लो पी गामा पी, वन अपॉन गामा। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं? एरिया बेटी का फोन क्या इशू था फोन बोलते गैमा बन बाई बन, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है करेक्ट है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, गैसेस के लिए गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हुआ तो अभी पता है, न्यूटन जब न्यूटन इसको फाइंड आउट किया था तब ये गलत क्यों हो गया था? कि न्यूटन का ऐसा अजम्पशन था कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, और एडिया जो ये है ना लैपलेस, उनका क्या मानना था कि भाई ये स्लो प्रोसेस नहीं है रैपिड प्रोसेस है। अच्छा, स्लो प्रोसेस रैपिड प्रोसेस से क्या फर्क पड़ जाएगा? स्लो प्रोसेस होने की वजह से उन्होंने आइसोथर्मल बोला, और रैपिड प्रोसेस होने की उसने उन्होंने एडियाबेटिक बोल दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि जो दो चेंजेस है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, आइसोथर्मल का कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, और एडियाबेटिक का कंडीशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन स्लो प्रोसेस है, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्यूरिंग रेयरफैक्शन टेम्परेचर कम होने वाला। तो जब कंप्रेशन होगा कंजेशन होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एक्सचेंज तो होगा ही ना, और स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस की वजह से क्या होगा? इसके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने हाई हीट को सराउंडिंग में देने का, और जब रेयर फ्रिक्शन होगा टेम्परेचर कम होगा उसको सफिशिएंट टाइम मिलेगा बाहर के हीट को अंदर ले। और इस तरह से बेटा उनके पास क्या था बोलो? मतलब उनको ऐसा बोलना पड़ा कि भाई स्लो प्रोसेस होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, और आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन किया तो आंसर रॉन्ग आ गया। जो प्रैक्टिकली प्रूवन है कि स्पीड ऑफ साउंड इज 330 to 340 मीटर पर सेकंड, उस फॉर्मूले से उनको आ गया 280, जो गलत हो गया। फिर आइंस्टाइन दूसरे थे लैपलेस ने सेम चीज को बताया कि भाई ये स्लो प्रोसेस नहीं है रैपिड प्रोसेस होने की वजह से क्या हो जाएगा बोलो? कंप्रेशन के समय हीट जनरेट होगा, रेयरफैक्शन के समय पे हीट कम भी होगा, पर उससे फायदा क्या है या उसकी वजह से क्या होगा? रैपिड प्रोसेस होने की वजह से सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा एक्सचेंज ऑफ हीट करने का, तो कंप्रेशन के समय पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, रेयरफैक्शन के समय पे टेम्परेचर कम रहेगा, इट विल नॉट एक्सचेंज द हीट। इसके लिए क्या हो गया? एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक की वजह से गामा आ गया। अब गामा का वैल्यू तुमको पता है बेटा, एटीजी में पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है, एक फॉर्मूला है एटीजी, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। क्या बेटा बोलो? सीपी बाय सीवी। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका ये फॉर्मूला है 2 बाय डीएफ
DF. Therefore, DF degree of freedom. DF क्या बेटा बोलो? Degree of freedom. बराबर है? Degree of freedom. ये degree of freedom का formula. ठीक है? DF degree of freedom. 1 + 2 / DF. DF is degree of freedom. ठीक है? अब degree of freedom क्या है? KDG पढ़ा हुआ तो बताओ ना क्या है? तो ये भी formula और ये भी formula. याद रहेगा? ये किसने दिया था तुमको? ये तो वो कहाँ से आया? बेटा ये आ गया हमारा B का वैल्यू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, B फॉर द गैसेस. दोनों में क्या डिफरेंस था बता दिया. ये वाला पार्ट इतना हो, इसको छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं. छाप लो इसको, बात करें क्योंकि एयर का कोई शेप नहीं है, उसका तो पूरा वॉल्यूम ही चेंज होगा, इसके लिए बल्क. ठीक है, हेलो हो गया. एक क्वेश्चन आता आया है पास्ट में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर पी जीरो. इफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स न्यू स्पीड इज. क्वेश्चन अंडरस्टूड एवरीवन? एटमोस्फेरिक प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड है 340. अब हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ के हो गया 4 टाइम्स,
So what will be the new speed of sound in air? बताओ जल्दी जो भी आंसर है बताओ. फार्मूला भी देखो इसके लिए रब नहीं किया था कि क्वेश्चन हो जाए. इसके लिए मैंने फार्मूला रब नहीं किया है. कम ऑन डू इट. मीडियम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ क्या कर दिया बेटा बोलो, प्रेशर इंक्रीज कर दिया. जो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर था उसका 4 times ले लिया. तो व्हाट विल बी द न्यू स्पीड? स्पीड का क्या हो जाएगा? डबल. ये समझा कि नहीं? अरे बी और बी का डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं? तो क्या होगा? बी वन बाई बी टू, बी वन बाई बी टू. बी वन है पी, पी टू है 4p, पी पी टू 1/2. तो बी टू इज 2 times ऑफ बी वन और नॉट? 2 times ऑफ बी वन. ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया. और हम टिक करके भी आएंगे सोच के कि 4 mark मिल गया. फिर पता चलता बाबा बन गए हम लोग. ये बेटा क्लियर टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. लिखो पहले उसको फिर बताता हूँ कैसे. स्टार करके लिखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर There is no effect of pressure on speed of sound in air at constant temperature. There is no effect of pressure on speed of sound in air at constant temperature. At constant temperature. कैसे? कैसे? देखो, सिंस बी इक्वल्स टू गामा पी बाय रो, क्या या गामा पी बाय रो, एरे गामा पी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे मास और यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, बराबर है. अब इसको वैसे भी तो लिख सकता हूँ, P है ना यहाँ पे, तो ये रहने दो. फिर क्या बोलेंगे? Therefore, P one by P two, P two P two. कौन बोल रहा भाई? ये तरह फॉर्मूला हो गया. अभी एक ही मीडियम है तो गामा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मास भी वही रहेगा, बट प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा ना. इसके लिए दो अलग अलग प्रेशर पे दो अलग अलग स्पीड क्या होगा? V1/P2. दो अलग अलग प्रेशर P1 और P2, पर प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना. तो P1 V1 P2 V2 अकॉर्डिंग टू अंडास लॉ. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर P1 V1 equals to P2 V2, दोनों कैंसल हो जाएंगे. सो V1 by V2 is 1/1. सो V1 is equals to V2. डन. मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं. मैंने स्टेटमेंट पहले लिख के दे दिया है, जे तो सपोर्ट में इसको लिख लो फटाफट कि क्यों नहीं चेंज होगा.
Next. Because effect of temperature on speed of sound in air. Effect of temperature on speed of sound in air. Effect of temperature on speed of sound in air. So likha V equals to गामा पी बाई रो एयर के लिए पहले से ही पता है बट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम तो गामा पी वी बाई एम अब क्या बोलूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ideal gas equation V equals to gamma PV ऐसा लिख दो ना पहले PV is equals to nRT therefore V equals to gamma nRT by m बराबर है तो T का relation आ गया but एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूँ मैंने शायद नहीं पढ़ा है केबीजी नहीं पढ़ा है केबीजी में हम लोगों ने पढ़ा है कोई बताएगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट अरे केमिस्ट्री में कितनी बार पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट क्या है मॉलिक्यूलर वेट अरे हाउ टू डिफाइन मॉलिक्यूलर वेट बोलो मोलार बोलो क्या है मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस तो कितना लेना वन मोल उसका जो मास होगा उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू टोटल मास टोटल नंबर ऑफ मोल है एन मॉलिक्यूलर वेट है एम डब्ल्यू टोटल मास है एम एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाय एन मतलब वन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे एन बाय एम लिख सकते हैं कि नहीं तो यहाँ पे जो एन बाय एम है वहां पे मैं लिख सकता हूँ गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट देख एम भी कॉन्स्टेंट मॉलिक्यूलर वेट भी कॉन्स्टेंट एक बात बोल रहा हूँ बट अगर कभी मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में आया तो हम लोगों ने बाबा नहीं बनना है इसके लिए भी बता दिया कैसे आ गया तो मैं सबसे क्या पता चला मैं बेटा बोलो इसे हमें पता चला v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t तो फार्मूला इज v1 by v2 t1 by t2 कभी अगर वो लोगों ने हमको जो वैल्यूज है इसके टर्म में दे दिया डिग्री सेल्सियस के तो t1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 t2 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ गया इतना लिख लो फिर एक और बात मैं अभी बता देता हूँ बाद में भूल जाते हैं हम देखो अगर मान लो टेम्परेचर है 330 केल्विन या सर टेम्परेचर मान लो
31 डिग्री सेल्सियस और स्पेस का स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड। अगर टेम्परेचर चला गया 32 पे तो जानते कितना हो जाएगा 340.6 मीटर पर सेकंड। अरे चला गया 33 पे तो हो जाएगा 341.2 मीटर पर सेकंड। ये चला गया 34 पे तो कितना होगा बेटा बोल 341.8 मीटर पर सेकंड। मतलब हर राइजिंग डिग्री पे मतलब पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर स्पीड कितना बढ़ता है 0.6। तो उसको भी अपने को दिमाग पे रखना है। तो पहले इसको छाप लो, ये रिलेशन आ गया कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल तो इट शुड बी इन केल्विन। और इसको भी अपन मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दूंगा ना कि ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकंड। ओके Thank you.
due to 4 degree rise in temperature. Due to 4 degree rise in temperature. Due to 4 degree rise in temperature. Speed of sound in air. Speed of sound in air increases by 0.6 meter per second. 0.6 meter per second. 0.6 meter per second. Okay? Yes. Dekho. Effect of humidity. Effect of humidity on speed of sound in air. Effect of humidity on speed of sound in air. Speed of sound in air पे क्या effect होगा? Humidity का. तो जैसे आप लोगों को पता है बेटा, सबसे ज्यादा sound का speed air में होता है, उससे कम liquids में और सबसे कम solid में. तो बेटा अगर humidity बढ़ेगा, अरे हेलो, तो ध्यान दो सर क्या बोल रहे हैं. ये जो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें है? गैसेस में. और सबसे कम किसमें है? सॉलिड में. और बीच में कितने में? लिक्विड में है. बराबर है. तो अगर साउंड का स्पीड ड्राई एयर में जो भी है, ड्राई एयर में वाटर वेपर बढ़ जाएगा तो सब लिक्विड जैसा हो जाएगा ना, उसका स्पीड क्या हो जाएगा बोलो? कम हो जाएगा. वेरी नाइस. सब नालायक ध्यान भी नहीं दे रहे सर क्या बोल रहे, क्या बकवास कर सर. हाँ हाँ बराबर बराबर. अरे पढ़ा है इलेवन में, पढ़ा है हम लोगों ने, लिटरली लिख के दिया है. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस. स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है और सबसे कम गैसेस में होता है. और मैं उल्टा बोल रहा हूँ. हाँ बोल रहे. पढ़ा है कि नहीं इलेवन में? पढ़ा है. भूल जाते हो, चाइनीज बेल खाते हो ना, भूलोगे आप. उसके लिए लिखो सब लोग. क्या लिखा? इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ना. लिखो स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, less in liquid and least in gases. Speed of sound is maximum in solid, less in liquid and least in gases. Done? Okay. Hence, As humidity increases, speed of sound in air increases. As humidity increases, speed of sound in air increases. Speed of sound in air increases. As humidity increases, speed of sound in air increases. याद रहेगा ना बेटा, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ड्राई एयर है तो कुछ बढ़ेगा, उनका वाटर वेपर बढ़ेगा. वाटर वेपर बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. याद रहेगा सबको. चलो नेक्स्ट. इफेक्ट ऑफ विंड ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. Wind. Yeah, देखो सब लोग, इस स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे वी क्या है?
speed of sound in air. U क्या है? Speed of wave. Theta क्या है? Angle between direction of sound. नैन मटका कर दे साउंड एंड वेव. ठीक है, अभी जो यू है वो क्या हॉरिजॉन्टल है क्या वर्टिकल है? अरे यू हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है. याद है ना मैंने क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है उसको कुछ नहीं करते, लेकिन जो आंकड़ा वाकड़ा पिछड़ा होगा उसको भी सीधा करना पड़ेगा ना बेटा, है ना. तो क्या कहना है, जो यू है उसी को दो पार्ट में हम लोग रिजॉल्व कर देंगे. इसका एक पार्ट यहाँ पे, फिर बोलो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा भी है, लेकिन इधर यू साइन थीटा होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है. हम बोलेंगे नेक्स्ट स्पीड वी प्लस यू कॉस थीटा. अब यहाँ पे तीन केसेस. केस वन, इफ साउंड एंड विंड आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो. व्हाट इज कॉस जीरो, वन. बी प्लस इफ साउंड एंड विंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन थीटा इज 180, कॉस 180 इज माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बी माइनस. And तीसरा, if sound and wind are perpendicular to each other, 90, cos 90, 0, 0 multiple of anything is 0, मतलब speed of sound को कोई फर्क ही नहीं पड़े, अगर perpendicular है, तो, याद रहेगा? Come on India, come on India, चलो. हेलो, तीन किस तुम लिख रहे हो कि मैं बोलू राइट डाउन केस वन इफ साउंड एंड वेट आर इन द सेम डायरेक्शन, इफ साउंड एंड वेट आर इन द सेम डायरेक्शन then theta equals to zero. And cos zero is one.
नीचे, therefore next speed क्या हो जाएगा, v plus v. Next speed is to v plus v. If sound and wind are in the same direction, then theta equals to zero and cos zero is one. उसके नीचे क्या लिखेंगे, therefore net speed क्या हो जाएगा, v plus v. Next. Next is to, if sound and wind are in opposite direction, if sound and wind are in opposite direction, are in opposite direction, then theta equals to 180, cos 180 is minus 1, cos 180 is minus 1, na? And therefore next speed kya ho jayega, v minus 2. लिख लिया. नेक्स्ट फेज थ्री, इफ साउंड एंड वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ साउंड एंड वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थीटा इक्वल्स टू 90, cos 90 0 and next speed is v. Niche likh lena. Hence there is no effect of wind on speed of sound in air. Kab bolo, jab 90 hoga tab. Hence there is no effect of wind. There is no effect of wind on speed of sound in air. सबको लाइट याद है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या जो समझो ये है तुम्हारा रेगुलर मीडियम और ये तुम्हारा है डेंसर मीडियम. ये हमारा नॉर्मल, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, सुन रहे हो ना, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इससे इंसिडेंट होगा. एक्चुअली उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. बट एज इट पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आई, ये हो गया तुम्हारा आर, आई और ये तुम्हारा हो गया डेल्टा. तो I is equals to R plus delta, I is more than R. बराबर है बेटा. ठीक उसी तरह से ये तुम्हारा एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा है टेंसर मीडियम और ये तुम्हारा है रेयर मीडियम. एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगा लाइक दिस, ए या
इसको जाना चाहिए ऐसा स्ट्रेट लाइन पे बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनर प्रोपगेशन, बट एज इट पासिस फ्रॉम डेंसर टू लेयर उसका स्पीड बढ़ेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर है। अब देख ये तुम्हारा है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा है आर और बीच में डेल्टा है, तो ये डेल्टा को मैं इधर भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ ना, डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन इज एंगल बिटवीन, इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन ए और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा, इसको यहाँ से रब कर दो, ए तुम्हारा हो गया आर, यहाँ पे पता चल रहा है I plus delta is equals to R, तो I is more than R। अरे यहाँ तो बोलो, अभी भी आप बोलते हैं। Less than R, ठीक है? See ये मैंने light का बताया, this is about light। कोई मुझे बताएगा, यहाँ पे two moves towards the normal, यहाँ पे why away from the normal? हाँ सार तक बोल। Why it is moving towards the normal here, away from the normal? आपको आतोस तो उससे क्या हो गया, जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो बैंड क्यों हो रहा है, इधर ही बैंड क्यों हो रहा है, इधर दूर क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं बैंड हो रहा है? जब स्पीड बढ़ता है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एग्जांपल भी दिखाया था, ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिलाया था कि भाई मान ले हम लोग यहाँ से बाहर निकले, जोरदार बारिश होने लगी, किसी दुकान के सामने खड़े हो गए, बेटा दुकान के ऊपर ऐसा रूफ पे पानी जमा हो रहा है, ऐसा पाइप है, एक नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन, ऐसा रख दिया, जब जोरदार बारिश होगा तो वाटर यहाँ से दूर ऐसा जाए, और जब बारिश कम होगा तो ये देखो कैसे बैंड होगा, तो जब बारिश जोरदार है स्पीड ज्यादा है वेलोसिटी ज्यादा है मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड कम होगा बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जब स्पीड बढ़ता है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड कम होता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट में स्पीड इज मोर इन रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम उसका स्पीड क्या है ज्यादा, और डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा कम, तो जब वो रेयर से डेंसर में पास हो रहा है तो क्या होगा बेटा बोल, स्पीड कम हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और यहाँ पे क्या होगा वो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्थ, ये तो हो गया लाइट का। लेकिन प्यारे बच्चों लोग साउंड का सोचो, साउंड वेव भी तो यही सारे लॉज लेते हैं ना, तो साउंड जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड कम होगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब जो लाइट के लॉज है ना साउंड में एग्जैक्ट अपोजिट, क्यों सबको समझा है उसको ड्रॉ करके लिख लो अपने ओन वर्ड्स में जैसा लिखना है, गुजरात मराठी मारवाड़ी भोजपुरी
Thank you.
क्या हो गया बैठ दस मिनट के बाद क्या सुन रहे ये दोनों लिख लिया सब लोगों ने सब अगला क्वेश्चन बाथरूम हम लोग यहाँ पे जोर जोर से बोलेंगे कुछ भी तो आपको एको क्यों सुनाई नहीं देता क्या छोटी सी जगह में क्या छोटी सी जगह में एको फॉर्म नहीं होता है टाइपो नहीं होता नहीं 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 ये गलत बोल रहे हो छोटा साउंड होने दो बड़ा साउंड होने दो छोटा जगह होने दो बड़ा जगह होने दो एको तो फॉर्म हो गया ही बिकॉज एको इज नथिंग बट जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड तो यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है सब जगह से साउंड रिफ्लेक्ट तो 110% होगा हाँ अलग बात है कि हम बहरे रहते हैं सुन नहीं पाते जैसे हम अंधे रहते वैसे बहरे भी रहते तो मैं बोल रहा हूँ ना तुमको तो हंसी आ रही बट इफेक्ट है देख तुमको पता नहीं हम लोग अगर किसी को देख लेना किसी को छोड़ कुछ भी चीज देख ले थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते और कोई साउंड सुन ले तो थोड़ी देर के लिए बहरे भी हो जाते याद रखो मेरी बात और इफेक्ट है सी अब जानना चाहते हो मैं बोल रहा हूँ तो सुनो सही क्या है आप पिंक तो मत सुनना तो सुनने में लगे रहे मोबाइल में तेरे बाजू वाले के साथ तुम लोगों का तो भला उसी से होगा लगे रहे बेटा उसी अच्छा है अरे कैसा होता है पर्सिस्टेंस ऑफ विजन पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग दो ऐसे टर्म्स हैं पर्सिस्टेंस ऑफ विजन एंड पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग ऐसे दो टर्म्स हैं बेटा पर्सिस्टेंस ऑफ विजन क्या है हम कहते देख हम लोग कोई भी चीज को क्यों देख पाते हैं कोई भी चीज को देखा मतलब क्या हो रहा है वो तुम लोग मुझे क्यों दिख रहे हो तुम्हारे थोड़े पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जा रहे हैं रेटिना पे जैसा भी इमेज फॉर्म होगा ना बेटा तुम लोग वैसे मुझे दिखाई जैसा टेढ़ा इमेज फॉर्म हो तुम टेढ़े दिखाई दो सीधा इमेज फॉर्म होगा तो सीधा दिखाई दो इसका एग्जाम्पल भी बताया था आज घर पे जाना घर पे पापा मम्मी भाई बहन जो भी अवेलेबल होगा आपके घर के सामने का जो बड़ा सा मिरर रहेगा ना उसके सामने उनको खड़ा करना मिरर है यहाँ पर उनको खड़ा करो इधर या इधर खड़े रह के ना उनका इमेज ना मिरर में देखो उनका नाक या मुंह टेढ़ा दिखाई दे चूंकि ना चूंकि हम लोग क्रॉस पे खड़े हैं ना तो हमारे रेटिना पे उनका क्रॉस इमेज थोड़ा टेढ़ा इमेज फॉर्म होता है उनका नाक या मुंह थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता क्या उनका नाक या मुंह टेढ़ा है नहीं इमेज वैसा बन रहा करके वैसा दिखाई दे रहा मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा भी इमेज हमारे माइंड पे फॉर्म होता है सामने वाली चीजें हमको एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई ये मैं बोलना चाहता हूँ और वो जो भी इमेज बनता है ना बेटा वो 1/16 seconds तक हमारे रेटिना से रिमूव नहीं होता और इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सिस्टेंस ऑफ विजन 1/16 seconds मतलब 1 second को 16 टुकड़े में बांटो बेटा उसका जो एक टुकड़ा है ना एक टाइम जो है ना 1/16 time उतने टाइम तक ना वो इम्प्रेशन हमारे रेटिना से जाता ही नहीं अरे जब तक वो रेटिना वहां से इरेज नहीं मतलब रेटिना से वो इमेज जब तक इरेज नहीं होगा तब तक दूसरा इमेज बनेगा दूसरी चीज से दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी मतलब उतने देर तक हम अंधे ही हो गए ना हम 1/16 seconds के लिए अंधे हो जाते हैं अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं तो और यही रीजन है बेटा आज तरह तनाया जब भी है तो उसको चश्मा पहनेगा अगर ऐसा अगरबत्ती जला के कोई गोल 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 घुमाएगा तो अभी भी देखा ऐसा गोल गोल घुमाऊंगा ना तो तेरे को ऐसा सर्कल जैसा दिखाई देगा ब्लू कलर का सर्कल बट अगर ऐसा स्लो घुमाऊंगा तो तेरे को सर्कल दिखाई नहीं देगा उसका रीजन क्या बेटा बैठ यहाँ देखो अगर हम लोग ऐसा सब फास्ट सर्कल बना रहे हैं अगर 1/16 seconds के अंदर फुल घुमा दिया सर फुल घुमा दिया तब तो सर्कल दिखाई देगा ऐसा स्लो स्लो मूव करूंगा तो क्या होगा स्लो मूव कर रहा हूं तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा तब तक यही रेज हो गया यहाँ से यहाँ पहुंचा तब तक यही रेज हो गया यहाँ से यहाँ पहुंचा यही रेज हो गया समझा तो हमको सर्कल दिखाई नहीं देता ऐसा फास्ट घुमाएंगे 1/16 seconds के पहले ही अगर पूरा घूम गया तो इंप्रेशन वहीं के वहीं पे दिखाएंगे वहीं पे रहेंगे ना करके आपको क्या दिखाई देगा सर बेटा एक ना जेल बना दे और जेल के पीछे टोपी का फोटो लगा दे एक पेज ले इधर ना टोपी का फोटो लगा पीछे जेल जैसा स्ट्रक्चर बना और उसको घुमा
लगेगा जेल के अंदर, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों बेटा, क्यों लगेगा? पर्सिस्टेंस और विजन की वजह से। मेरा बात समझा? बस बस लिसन बेटा, यही रीजन है ना, यही रीजन है कि हम लोग मूवीज को एंजॉय कर पाते हैं। ओके, यही रीजन है कि हम लोग मूवी एंजॉय कर पाते बेटा। मूवीज में क्या रहते हैं, पिक्चर्स ही तो रहते हैं, सारे पिक्चर्स को मतलब ऐसा पिक्चर्स रहते हैं स्क्रीन पे मूव करते, पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव करते हैं। इस स्पीड के साथ मूव करते हैं, मूविंग इफेक्ट जैसा मतलब मूविंग लगता है हम लोगों को। कोई भी एक सीन को ऐसा 10-20 फोटोज रहते हैं और फोटोज को मूव करते हैं, जैसे देखो तारे जमीन पे, वो फोटोज को ऐसा मूव करते हैं तो मूविंग इफेक्ट लगता है कि नहीं? उसी तरह से सेम वही चीज होता है हमारे साथ मूवीज पर। बहुत सारे से फोटोज रहते हैं, फोटोज को सिर्फ मूव करते हैं और हमको मूविंग इफेक्ट जैसा। मेरा बात सबको समझा? ठीक है, तो ये था पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक उसी तरह से पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग, पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अगर कोई भी साउंड को हम लोग सुनते हैं, कोई भी साउंड को अगर हम लोग सुनते हैं बेटा, कोई भी साउंड को अगर हम लोग सुन लेते हैं तो 1/10 seconds थोड़ा बड़ा समय, 1/16 seconds छोटा है, 1/10 बड़ा है, 1/10 seconds तक उसका इंप्रेशन हमारे ईयर पे से नहीं जाता। जो भी साउंड हम लोग सुन लेते हैं उसका इंप्रेशन हमारे ईयर पे से जाता नहीं, एज इट इज रहता, और तब तक हम दूसरे साउंड को नहीं सुन पाते, तो उतने देर तक हम क्या हो गए, बहरे हो गए। बेटा ये रीजन है कि हम यहाँ पे इसको नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं ना सब जगह से रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, बट उस समय पे हम बहरे हैं, सुन नहीं पा रहे, बस इतना ही फर्क। क्योंकि बेटा ये सब रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस ही तो है, जो भी साउंड जाएगा रिफ्लेक्ट होके आना ही है 110%। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है सबको समझा ना बेटा, हम खुद नहीं सुन पा रहे पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वजह से। छोटू ने एक बात बोला कि सर ये सब ना 17 meters के डिस्टेंस पे नहीं है ना, इसके लिए क्यों ऐसा? क्योंकि थर्ड क्लास फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, व्हाट इज थर्ड क्लास फॉर्मूला? थर्ड क्लास फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 340, टाइम है 1/10, 34 meters। बताओ हम साउंड का एको कब सुन सकते हैं? जब साउंड 34 meters का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 34 meters से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम उसका एको नहीं सुन सकते, क्योंकि उतने समय तक हम क्या है, बहरे हैं। तो जो ऑब्स्टेकल है एटलीस्ट 17 meters के डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से साउंड जाएगा 17 meters और आएगा 17 meters, तो जाने का 17 आने का 17 हो गया। इसके लिए अगर हम किसी भी साउंड का एको सुनना चाहते हैं तो साउंड में कम से कम 34 meters का डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, या हमारा ऑब्स्टेकल 17 meters के डिस्टेंस पे होना चाहिए। याद रहेगा, स्टार करके लिखो। ह्यूमन बीइंग cannot hear any other sound. Human being cannot hear any other sound within 1/10 seconds of the first sound. Human being cannot hear any other sound within 1/10 seconds. Within 1/10 seconds of the first sound. Within 1/10 seconds of the first sound. Full stop, continue. It is called persistence of hearing. It is called persistence of hearing. हो गया, पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग डन। अगला इसको लिख लो डिस्टेंस। अच्छा सुनो, उसके पहले
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. और तीसरा पॉइंट करके इसको लिख लो. लिख लिया. नीचे लिखो. हैंस इन ऑर्डर टू हियर द एको. हैंस इन ऑर्डर टू हियर द एको. हैंस इन ऑर्डर टू हियर द एको. साउंड साउंड शुड ट्रेवल. साउंड शुड ट्रेवल a distance of 34 meter. Sound should travel a distance of 34 meter or obstacle should be at a distance of 17 meter. Obstacle should be at a distance of 17 meter. Obstacle should be at a distance of 17 meter. 17 meter. Done? Clear? पता आजकल बुक्स में क्या लिख के आता है? स्पीड ऑफ साउंड इज 344. जो पहले 330 से 340 तक आता था अभी 344. क्यों 344? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओवर एंड ऑल टेम्परेचर ही बढ़ गया है. जब ओवर एंड ऑल टेम्परेचर बढ़ गया है तो टेम्परेचर बढ़ने से तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है ना. इसके लिए आजकल ना कुछ ज्यादा ही आ रहा है. एनी हाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. बाय.